मैं हेड सब करता हूँ। 22 तारीख को अच्छे जी का जन्मोत्सव के सक्सेसफुल रहा उनका ये कार्यक्रम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में। हम खड़े हैं ऋषि भवन के प्रांगण में, जहाँ पे ब्रह्म ऋषि समाज का आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह ब्रह्म ऋषि समाज के बारे में मैं आपको बता दूं, यह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आए समय गाहे बगाहे यह समाज में बहुत अच्छे कार्य करते रहते हैं, जो सभी जानते हैं इस विषय में। तो आप आइए हमारे साथ अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करके यहाँ के परिदृश्य को आपको और अच्छी तरीके से दिखाते हैं। जैसे कि मैं बता दूँ, रक्तदान देने से केवल दो आदमी ही नहीं, उससे जुड़ा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं सभी को बहुत ही लाभ होता है और आनंद आता है, इसकी एक अलग ही खुशियां होती है। तो हमारे साथ चलिए, यहाँ पे ब्रह्म ऋषि समाज के पदाधिकारी हैं जिनसे आपको मैं रूबरू करवाता हूँ और चीज़ों को और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, आइए अंदर। सर, हमको बताइए कि ये ब्लड डोनेशन कैंप में कितना एज का आदमी लास्ट पार्टिसिपेट कर सकता है, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बताइए। जिनका भी एज जिसे ही हो चुका है जी सर, वो ब्लड डोनेट कर सकता है और लास्ट 65 तक दे सकता है जी सर। सर, आज हमारे शिविर में यहाँ पे लगभग कितने लोग आए सर डोनेट करने? अभी तक तो आपने 35 लोग दे चुके हैं जी सर। टोटल यहाँ 100 के करीब देने वाले हैं, तो तब तो अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं। सर, ब्लड डोनेशन करने के बाद में किस चीज़ पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है? जो वॉल्यूम निकला है ब्लड जो डोनेट किया है, हम लोग पानी ज़्यादा पीना है जी सर। वॉल्यूमिया नहीं हो तो वॉल्यूम कम नहीं है जी सर। और सर, क्या खाना पीना वगैरह कुछ विशेष उस पर? ज़्यादा खाना है, नॉर्मल डाइट। और सर, किस डिजीज़ के मरीज़ जो है ब्लड नहीं दे सकता है सर? अच्छा अच्छा सर, जिनको कोई भी बीमारी है जी सर। अच्छा अच्छा, फिजिकली फिट आदमी ब्लड डोनेट, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स कोई भी, चाहे लेडीज। सर, आपका नाम और डेजिग्नेशन? चीफ टेक्निकल ऑफिसर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबका कैसा रहा अनुभव आज जो ब्लड डोनेशन कैंप रक्त दान शिविर में जो आप लोग आए हैं, कैसा लगा? जी, और लोगों को ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी अपना एक समाज, महिला समाज बना सकें और आगे रक्तदान काम कर सकें। ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा। आपका नाम? स्वागत है आपका, मैं पंकज। आपको कैसा रहा अपना अनुभव बताइए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? स्वागत है आपका, धन्यवाद। स्वागत है आपका, आपको कैसा अनुभव रहा उसके बारे में बताइए। मुझे रक्तदान करने में बहुत ही आनंद आता है, मुझे ये सोच के आनंद आता है कि मेरा ये किसी जन कल्याण के काम में उपयोग होगा। ऐसे तो कोई सहयोग नहीं कर पाते हैं, तो लगता है इसी बहाने कुछ तो सेवा प्रदान करने का मौका मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसके पहले भी दिए हैं रक्तदान? हाँ दिए। तो आपको कहीं से भी कोई मतलब भय नहीं लगता है? जो ज़्यादातर जनरली हम लोग देखते हैं कि लोग आतंकित हो जाते हैं और देना नहीं चाहते हैं, नहीं, तरह तरह की गलत भावनाएं हैं, भ्रांतियां हैं उनके। मुझे बचपन से डर नहीं लगता, मुझे ड्रेसिंग ब्लड ये सब बहुत अच्छा लगता है, सेवा करने किसी का ड्रेसिंग कर देना। क्या नाम है आपका? ज्योतिका रानी। धन्यवाद पंकज, आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है आपका? तो कैसा लगा आपको आज ब्लड डोनेशन कैंप में आकर के? बहुत अच्छा लगा। स्वागत है आपका, मैं पंकज। कैसा अनुभव रहा आप बताइए? बहुत अच्छा अनुभव रहा, मेरे फर्स्ट टाइम है और मैं चाहूँगी लोगों की गलतफहमी दूर करना, कोई दर्द की बात नहीं है। वो थोड़ा सा दर्द होता है स्टार्टिंग में, पर ये करने से आपकी बॉडी में जितनी भी इंप्योरिटीज है वो सब बाहर निकल जाएगी, आपको कोई डिजीज़ नहीं होगा। तो मुझे लगता है इस तरह से आप बाकी लोगों को भी हेल्प कर सकते हैं और अपने आप के लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं, अपने ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। मेरे चैनल और मेरे टीम के तरफ से आपको हेड्स ऑफ और बहुत बहुत साधुवाद। आपकी आंखों में साफ झलक रही है खुशियों की आंसू, शायद ये पहला बार है इसके कारण। क्या नाम है आपका? बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पंकज आपसे बात कर, मेरे पूरे टीम के तरफ से सभी को, आपको सभी को साधुवाद। मेरा पहली बार है, ठीक है। आप
आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन बेला में मैं प्रेरणा लेते हुए मैं जब यहाँ आया और देखा कि अपना ब्रह्म ऋषि समाज इतना अच्छा कार्य कर रहा है तो खुद ब खुद मेरे अंदर से ये उमंग आया, इच्छा शक्ति जगी और प्रेरणा इनसे लेते हुए मुझे ये इच्छा किया कि ये कार्य जो है करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पावन बेला में यह रक्तदान शिविर का जो आयोजन हुआ है, रक्तदान सर्वोपरि दान ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में। इस संसार में जितनी भी दान है सबसे उच्च कोटि का दान रक्तदान को ही माना जाता है, क्योंकि रक्तदान कितने लोगों को, असंख्य लोगों को और थैलेसेमिया नामक जो खतरनाक बीमारी है उस बीमारी से भी जो लोग लड़ रहे हैं उससे रक्षा करता है। साथ में उन तमाम भाइयों को जिन्हें रक्त की आवश्यकता होती है उन्हें जब ये रक्त मिलेगा तो उनके जीवन में एक अलग ही खुशियों का अनुभूति होगा और केवल उन्हें ही नहीं, उनसे जितने भी लोग उनके परिवार के जुड़े हुए हैं, उनके सखा संबंधी साथी समाजी सबको एक चेहरे पे खुशी मिलता है जब वो जिंदगी और मौत से लड़कर कार्य में संलग्न होना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। ऐसे समय में मैं यही संदेश दूंगा समाज को और देशवासियों को कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आइए, क्योंकि रक्तदान अगर आप और हम नहीं देंगे तो रक्त कहाँ से बनेगा, जो लोग को आवश्यकता है उन्हें कहाँ से मिलेगा। भगवान ना करे कल के डेट में हमारे ही परिवार के किसी भी सदस्य को अगर आवश्यकता हो, अगर हम पीछे हटेंगे तो उन्हें कहाँ से मिलेगा। तो इसीलिए सबको एक साथ आकर के इस कार्य में संलग्न होना चाहिए और हिस्सा लेकर के इतने बड़े कार्य में सहयोग करके इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। सभी को मैं हैट्सअप कहता हूँ। यहाँ पे जितने भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं जो आज इस शिविर से जुड़े हुए हैं, सबको मैं हैट्सअप करता हूँ कि वो इतने अच्छे कार्य करते हैं, उनसे ही मुझे भी प्रेरणा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज अपडेट्स में तो आज कैसा रहा अनुभव, अपना परिचय देते हुए बताइए थोड़ा। आप सबका स्वागत है। आज का जो अनुभव है ये अनुभव नहीं बहुत पुरानी है, बराबर ब्लड डोनेशन कैंप करते आ रहे हैं। आज पूर्वोत्तर ब्राह्मणी समाज की ओर से भगवान परशुराम के जन्म जन के उत्सव पे यह कार्यक्रम किया गया है। 22 तारीख को अक्षय तृतीया के हम लोगों ने पूजा पाठ किया। इसके बाद अचानक खबर मिली कि सिलीगुड़ी शहर में रक्त की काफ़ी चाप पड़ गई है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे युवा कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता एक खूब बहुत ही कम समय में निर्णय लिया कि सिलीगुड़ी शहर को इससे बचाने के लिए रक्त की जो आवश्यकता है हम लोग सब एकत्रित होकर और ब्लड रक्तदान का शिविर किया जाए। इस समय बहुत ही कम समय में हमारे जो कार्यकर्ता ने जो कार्य किया है, हम उससे पूछे तो सही, हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने कम समय में इतनी बड़ी कैंप कैसे हुई। ये आज हमारे सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है। मैं एक सचिव होने के नाते कहता हूँ कि इतनी बड़ी कैंप करने में आज सहयोग सहयोगिता मिल सका। आज ये रक्त जो है हम लोगों ने लाइन्स क्लब के माध्यम से कैंप किया है। मैं लाइन्स क्लब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ एवं समस्त हमारे मीडिया भाई, सिलीगुड़ी नगरवासी एवं हमारे सदस्यगण को मैं धन्यवाद देना चाहता। स्वागत है आपका, मैं पंकज। हमें बताइए ये ब्रह्म ऋषि बाबा परशुराम जी का, तो ये परशुराम जी का जन्मोत्सव के पावन बेला को ही ध्यान में रख करके आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इस पर क्या प्रकाश आप डालेंगे? जी, मैं पहलेदार ग्लोबल न्यूज को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग एक छोटे से कार्यक्रम में आपने शिरकत किया, उसके हम लोग आभारी हैं। धन्यवाद। ये कार्यक्रम विशेष रूप से 22 तारीख को ही जो परशुराम भगवान परशुराम जयंती जो हम लोग बनाते हैं, लेकिन शहर में बहुत जगह इसका आयोजन था, ब्लड डोनेशन के
लिए उचित जगह हम लोगों को मिल रहा था। हम लोग का था दूसरी दिन करना है, तो ये हमारे प्रभर्षी समाज, युवा प्रभर्षी समाज, महिला प्रभर्षी समाज, ये तीनों के सहयोग से ही इस आयोजन को हम लोग कर पाए हैं। और उपलक्ष्य वही है, बाबा परशुराम के प्रति एक हम लोग का जो दायित्व है, हम लोग का एक और जो हम लोग का आभार व्यक्त करने का तरीका है, जैसे उन्होंने सबके कल्याण के लिए काम किया, उसी तरह हमारा ये संस्था जो है सिलीगुड़ीवासी के लिए, आसपास के लोगों के लिए जो रक्त की कमी है उसकी पूर्ति कर सकती है। कर तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा योगदान जरूर है, इसको हम लोग योगदान छोटा सा योगदान समझ कर सिलीगुड़ी के वासियों के प्रति अपना संभाव व्यक्त करते हैं। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये संदेश बहुत स्पष्ट है, रक्तदान जैसा कि कहा जाता है, रक्तदान महादान, इसके सिवाय कोई दान नहीं। ये एक बूंद किसी की जिंदगी है, एक बूंद किसी के लिए मौत है, तो अगर हम कुछ भी दान करते हैं तो समझिए कि इसके इससे बड़ा योगदान, इससे बड़ा दान कुछ भी नहीं। मैं हर आदमी से जो भी सक्षम हो, किसी तरह की बीमारी से ग्रस्त ना हो, मेडिकेटेड स्वस्थ, मेडिकली वो स्वस्थ है, तो उनको जरूर दान कर सकते हैं, क्योंकि खून देने से खून घटता नहीं, ये निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया में आता है। इसलिए किसी तरह बहुत लोग डरते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इस तरह के अफवाहों से दूर रहकर समाज को, समाज के लिए आगे बढ़कर करना चाहिए। मेरा यही एक संदेश है कि सबको करना चाहिए, जो भी सक्षम है उनको मानवता के लिए जरूर आगे बढ़ के आना चाहिए। हमारे पूरे टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे महिला पार्षद, तो कैसा लगा आपको ये ब्लड डोनेशन कैंप में पूर्वोत्तर ब्रह्म ऋषि समाज का जो युवा समाज है उसमें शामिल होकर के ब्लड डोनेट करके? बहुत ही अच्छा लगा, इसमें डोनेट करना मेरे लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है। मैं किसी का भला कर सकूँ, मेरे वजह से इस समाज का ये यहाँ के लोगों का भला हो सके, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा। इसके पहले आप दिए हैं? जी हाँ, मैंने एक बार और दिया हुआ है। ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को? सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ब्लड जो ये होती है कमी के वजह से बहुत लोग मृत्यु हो जाती है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर कोई सहयोग करे, आगे बढ़ जाए, किसी किसी का कोई नुकसान नहीं है, इसीलिए सबको ब्लड देना चाहिए। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलता है इतने अच्छे कार्य करने का? समाज से मिलता है, समाज में अच्छे काम करके उससे हमें प्रेरणा मिलती है। मेरे पूरे टीम के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। कैसा अनुभव रहा यहाँ पे रक्तदान शिविर में आकर? बहुत अच्छा है, और ये समाज सेवा का कार्य बहुत अच्छा है। आप इसके पहले दिए हैं? शहरवासी को, देशवासी को ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे? यही देंगे कि जो अगर सक्षम है तो उसको इसके भाग लेना चाहिए और देना चाहिए, समाज से काम इसमें आगे होकर के देना चाहिए, साथ देना चाहिए। क्या नाम है आपका? और सक्सेसफुल रहा उनका ये कार्यक्रम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये दादा करमवीर दा ने बोला कि 100 से ज़्यादा होने वाला है, तो ये तो एक बड़ी बात है। मैंने उनको बोला इतना लोग आए हैं, ये एक मोटिवेशन है। बहुत सारे कैंप होते हैं, कई लोग आते हैं कई लोग नहीं आते हैं, लेकिन कैंप में लोग लाना वो इस बात की सबूत है कि इनके साथ, इसके साथ समाज के दूसरे लोगों की जो कनेक्टिविटी है
जो उनके साथ संजोग है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए इनके बुलाए पर ये सब लोग आज रक्तदान करने के लिए। पापा,